हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट जो हम देखने वाले हैं वो है साइंस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 32। ये आपकी 16 सितंबर की वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये वर्कशीट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। तो ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि वो भी इसे लाइक और सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर इमीडिएटली उन्हें भी पता चल जाए जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो। और साथ ही आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से कि इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको बताया गया है। तो जो एलिमेंट्स हैं, जिनका आप ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं एक पिछली वीडियो में वर्कशीट में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का, तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप क्लासिफाई कर सकते हो दो तरीके से, मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह। और आप किसके बेसिस पे ऐसे करोगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं, कैसे होते हैं वो, उनके बेसिस पर आप इनको क्लासिफाई करते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, तो ये सब जो है ये मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनके बेसिस पर जो है आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे जरूर ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िएगा। पेपर में, एग्जाम में इस क्वेश्चन की आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब कि वो कितने चमकते हैं। तो मेटल्स जो है उनके जनरली शाइनिंग सरफेस होता है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जनरली जो है शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। तो आयोडीन का आप फिर भी कह सकते हैं कि शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन एक्सेप्ट दैट जो बाकी नॉन मेटल्स है उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, मतलब कि लस्टर उनमें नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी दी गई है वो है हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वहीं पर वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो डायमंड जो है, जो एक्चुअल डायमंड जो होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, वो जो है वो हार्ड होता है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। वहीं मेटल्स जो है वो एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं और उन्हें नाइफ से कट भी किया जा सकता है, लेकिन इनके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। फिर तीसरा आपका प्रॉपर्टी आपको बताया गया है स्टेट। तो स्टेट, वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कैसे, मतलब आपके आसपास वो पाए जाते हैं। तो मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि थर्मामीटर में अगर आप देखेंगे, आप जो नॉर्मल, आप फीवर होता है आपको, तो जब आप थर्मामीटर से अपना फीवर चेक करते हैं तो उसमें जो एक सिल्वर कलर का होता है जो इंडिकेट करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, वो जो होता है वो मरकरी होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसके अलावा जो मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड और गैसेस दोनों में पाए जाते हैं, और एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई है मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो थिन शीट्स बन सकती है उसकी, मतलब कि उसे इतना मतलब पीट पीट कर उसे ऐसा कर दिया जा सकता है कि वो एक शीट में, मतलब एक पतली सी शीट में वो कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं, मतलब कि आप अगर ध्यान दें तो आयन जैसे है, मतलब लोहा जैसे, अगर उसे पीट पीट के उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, तो वैसे ही नॉन मेटल जो है वो नॉन मैलिएबल होते हैं, तो उनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? तो ये दो वर्ड्स जो है ना इम्पॉर्टेंट है, इन पे जरा ध्यान दीजिएगा। डक्टिलिटी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एंटिटी की जिसमें कि उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब कि पतले पतले उनके तार बनाए जा सकते हैं।
तो मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, मतलब कि मेटल जो होते हैं उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब कि नॉन मेटल से वायर्स नहीं बना सकते हैं पतले पतले। फिर आता है आपका कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। तो लेड और मरकरी जो होता है बस वो है जो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन उसके अलावा जो होते हैं मेटल्स वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। फिर आपकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, मेटल्स जो है उनकी जनरली हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत ही ज्यादा उनको गर्म करना पड़ता है तब जाके वो पिघलना शुरू होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। तो थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं, इनको जरा ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे ये। अब डेंसिटी नॉन मेटल्स की ये है कि उनकी जनरली लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब कि कम टेम्परेचर पे ही वो जो है वो उबलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं वो। फिर अगला है आपका सोनोरस। तो प्रॉपर्टी है सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि जब आप उसको इसके सरफेस को किसी से मारते हैं, किसी चीज से मारते हैं, तो आवाज आती है, साउंड आती है। तो मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें किसी हार्ड सरफेस से उन्हें जोर से मारा जाता है, तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी एल्यूमिनियम अगर आप जोर से मारते हैं तो टंग करके आवाज आती है, तो मेटल सोनोरस होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब उन्हें हार्ड स्ट्राइक करने पर, हार्ड सर्फेस पे स्ट्राइक करने पर उनमें आवाज नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। तो मेटल्स जो है जब एयर के साथ मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे जब मेटल कंबाइन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, मतलब जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ये केमिकल रिएक्शन भी दिया गया है, इसकी इक्वेशन दी गई है। तो ये कॉपर के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कॉपर जो है वो जब ऑक्सीजन से मिलता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, वहीं पे एल्यूमिनियम जब मिलता है ऑक्सीजन से तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे कोई भी मेटल होगा वो जब ऑक्सीजन से मिलेगा एयर में तो वो उसका ऑक्साइड बनाएगा। तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो एक जैसा एक्टिविटी शो करेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम, Na और K जो है वो बहुत ही ज्यादा विगरेसली, मतलब बहुत स्ट्रांगली जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और इतना स्ट्रांगली कि अगर उन्हें खुले में रखा जाए तो सोडियम और पोटेशियम जो है उसमें आग भी लग सकती है, तो इतना ज्यादा वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए उन्हें हमेशा ही केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है, मतलब कि हमेशा उन्हें केरोसिन ऑयल में सोडियम और पोटेशियम को, Na और K को जो है रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन जो है एयर में उससे रिएक्ट ना करे और आग ना लगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन बताया गया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का। तो ये जो मेटल्स हैं ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जो है रिएक्ट नहीं करते हैं एयर से। तो इनके जो स्लो रिएक्शन होता है इनका, तो इसीलिए जो है ये एक थिन लेयर होती है ऑक्साइड की इनके ऊपर, धीरे धीरे वो बनने लग जाती है। तो स्लोली स्लोली रिएक्शन होता रहता है और धीरे धीरे जो है ऑक्साइड की, जो इनके मेटल का ऑक्साइड है, तो अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, तो ये जो है एक पतली सी जो है थिन लेयर जो है धीरे धीरे उनके सरफेस के ऊपर बनने लग जाती है। फिर एक और आपको यहाँ रिएक्शन बताया गया है Fe। Fe मतलब आयन जो है डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयन फिलिंग्स बर्न विगरेसली। तो अगर आप आयन को जो है डायरेक्टली हीट करेंगे तो वो जलने एकदम से नहीं लगता है, लेकिन वहीं आयन फिलिंग्स अगर हो, मतलब आयन की अगर छोटे छोटे पीसेज हो, तो वो जो है बहुत ही विगरेसली, बहुत स्ट्रांगली जो है जलने लगता है जब वो रिएक्ट करते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर जब एयर से रिएक्ट करता है तो वो बर्न नहीं करता है, जलने नहीं लगता है, लेकिन
उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक कॉपर ऑक्साइड की जो है कोटिंग सी बन जाती है। फिर एजी मतलब कि सिल्वर और एयू मतलब गोल्ड जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से। तो आप देख सकते हैं कि हम ज्वेलरी जो पहनते हैं सिल्वर की और गोल्ड की जो ज्वेलरी पहनते हैं वो ऑक्सीजन है एयर में अराउंड, लेकिन वो उससे रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर करते होते तो हम उन्हें पहन नहीं पाते। अब आपको सेकेंड यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो वाटर से जब रिएक्शन होता है मेटल्स का तो कैसे वो रिएक्ट करते हैं, क्या होता है फिर? तो मेटल और वाटर जब मिलते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो हर जो इक्वेशन आपकी बनेगी उसमें बनेगा एक मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। फिर अगर आप मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है, जिस तरह का आप मेटल डालेंगे उस तरह के फिर इक्वेशन बनती चली जाएगी। तो अब मेटल्स यहाँ पर अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे सोडियम अगर आप वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर बनेगा ये H2 जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है निकलेगी और हीट निकलेगी। फिर मैग्नीशियम और वाटर अगर रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगी। वहीं एल्यूमिनियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो ये यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और भी दिए गए हैं। तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम आयन और जिंक हैं वो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मतलब वो डायरेक्ट पानी में वो रिएक्ट नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम आयन के आप बर्तन भी रखते हैं तो डायरेक्ट वो इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्टीम पे जो है वो रिएक्ट करते हैं। फिर जो ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ये। फिर मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से, हॉट H2O से वो रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करता है ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। तो जब वो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम तो वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। और ये जो लेड कॉपर और सिल्वर और गोल्ड जो है उनका वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो जो अलग अलग मेटल्स हैं उनकी अलग अलग ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब आगे चलते हैं, आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बताया गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिए। तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वो मेटल ऑक्साइड्स, तो अभी अभी हमने देखा मेटल ऑक्साइड क्या होता है, तो जैसे ये था यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एक तरह से मेटल ऑक्साइड है। तो वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेसिस दोनों से ही रिएक्ट कर सकते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो कोई भी एक सॉल्ट या वाटर बनाते हैं तब जो है ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल है, इसकी यहाँ पर इक्वेशन भी दी गई है। तो अब जैसे एल्यूमिनियम का यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है इक्वेशन के थ्रू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, तो ये मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कर पा रहा है, और जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो कौन सा सॉल्ट बना रहा है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और साथ ही साथ वाटर बना रहा है। तो ये एक वो रिएक्शन कर पा रहा है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये अगेन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उससे भी रिएक्ट कर पा रहा है, और फिर वो एक सॉल्ट बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सॉल्ट बना रहा है और साथ में वाटर वो बना रहा है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है। तो अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से वो देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आपका है आंसर वन। फिर क्वेश्चन टू है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल और डक्टाइल का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ध्यान से सुनिएगा, तो उसका आपको मीनिंग बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, थोड़े से वर्ड्स ऐड कर सकते हैं कि इधर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, दी एंटिटी दैट, बस ये तीन वर्ड आपको यहाँ पर शुरू में लिखने हैं, दी एंटिटी दैट
कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबल. ठीक है, तो आप इज कॉल्ड भी यहां पर लगाइए. द एंटिटी दैट कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबल. फिर डक्टिलिटी के लिए भी आप लिखेंगे द एंटिटी दैट कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज डक्टाइल, इज कॉल्ड डक्टाइल. तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर टू में कि डक्टाइल और मैलेबिलिटी क्या होती है. फिर व्हाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल. अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि सोडियम और पोटेशियम क्यों ऑयल में स्टोर किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि सोडियम एंड, तो ये आंसर थ्री आपका यहाँ से होगा, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरेसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. ये है आपका आंसर थ्री. चलते हैं आपके क्वेश्चन फोर पर. क्वेश्चन फोर आपका कहता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल्स. आपको दो एग्जांपल देने हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताना है वो क्या होता है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम यहाँ से लिखेंगे मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट, और ये पूरा का पूरा जो है आपका ये आंसर फोर हो जाएगा. ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. जरूर इसे आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए. आज के लिए इतना ही है.